फिजिकल पेंडुलम है। एक होता है देखो सिंपल पेंडुलम, धागा लो, पत्थर लो, घुमा दो, ये है सिंपल पेंडुलम। एक है पेंडुलम फोटो फ्रेम लो, कील पे टांग दो, घुमाओ, पूरी बॉडी घूम रही है टू एंड फ्रो, फिजिकल पेंडुलम। इट इज नॉट अ पॉइंट मास। जब पॉइंट मास नहीं है ना तो वो फिजिकल पेंडुलम है, अगर पॉइंट मास है तो सिंपल पेंडुलम है। जैसे रिंग लो, पूरी रिंग लो बड़ी सी, कील पे टांग दो, हिलाओ, टू एंड फ्रो पूरी रिंग घूमेगी, फिजिकल पेंडुलम। एक रॉड ले लो, टांग दो, कील उसमें पिवट कर दो, उसे घुमाओ, पूरी रॉड घूम रही है, फिजिकल पेंडुलम। तो फिजिकल पेंडुलम कुछ नहीं है, कोई भी बॉडी अगर एक एक्सिस के अबाउट घूम रही है टू एंड फ्रो तो फिजिकल पेंडुलम है। तो फिजिकल पेंडुलम मान लो कोई भी आर्बिट्री शेप है, ये आपने इस नेल के यहाँ पे टांग दिया, ये टंगी हुई है, तो इस एक्सिस के अबाउट इसकी रोटेशन होगी और सेंटर ऑफ मास ये रहा। सेंटर ऑफ मास और इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सीधा डिस्टेंस इसमें डी है, मार्क कर लो इसमें डी है। तो ये डिस्टेंस गिवन है डी है। तो आप इसका टाइम पीरियड निकालना चाहते हो, बहुत आसान है, हल्का सा इसे डिस्प्लेस करवाओ, एक सिंपल पेंडुलम की तरह ये डिस्प्लेसमेंट हो गई, इधर एंगल थीटा आपने घुमा दिया, सेंटर ऑफ मास यहां से यहां चला गया, वेट क्या है इसका एम जी, थीटा थीटा कॉरस्पॉन्डिंग एम जी कॉस एम जी साइन। तो इसमें रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा, कौन सी फोर्स वापस लेके आ रही है, एम जी साइन थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से कितना है डी, तो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या है, माइनस एम जी साइन थीटा इंटू डी। अभी करके दिखाया मैं सिंपल पेंडुलम में, सेम चीज है। टॉर्क क्या होता है आई अल्फा, एंगल्स छोटा है तो साइन थीटा को क्या लिखेंगे थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ गया अल्फा, एसएचएम प्रूव हो गया एंगुलर, एंगुलर एसएचएम की इक्वेशन लिखेंगे, कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा ओमेगा। लिख लो अब फॉर्मूला बुकलेट में, पहले तो ये फॉर्मूला लिखो किसी भी फिजिकल पेंडुलम का, ओमेगा का ये फॉर्मूला, और डायग्राम बना लेना, डायग्राम में एक ओ पॉइंट बनाना, एक सेंटर ऑफ मास बनाना और इनके बीच में डिस्टेंस डी बनाना ऐसे। तो ये आपका ओमेगा का फॉर्मूला होगा। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखना, क्योंकि ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय टी इज इक्वल टू एम जी डी डिवाइडेड बाय आई, तो टी की वैल्यू इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई डिवाइडेड बाय एम जी डी। ये फॉर्मूला आप नोट कर लें प्लीज, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाय एम जी डी। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन कैसे आता है देख लो। क्वेश्चन आएगा वो कहेगा एक रिंग ले लो, एक रिंग को टांग दो यहाँ से, फिजिकल पेंडुलम हो गया, इसका टाइम पीरियड निकाल दो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख लो 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाय एम जी डी, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो क्या होगा, एक्सिस क्या है ये रहा टेंजेंट है, अगर सेंटर के अक्रॉस आई पूछूँ तो क्या होगा एम आर स्क्वायर, पर हमें तो इस पर निकालना है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर टू एम आर स्क्वायर, तो आई की जगह 2 एम आर स्क्वायर, और डी का मतलब डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड सेंटर ऑफ मास जो कि कितना है आर, डी की जगह आर आंसर। ऐसे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, हो सकता ना भी आए वैसे मैं कह नहीं सकता, बहुत कम चांस है, पर किसी ऑब्जेक्टिव में आपको दिखेगा। जैसे एक और प्रॉब्लम आती है इसके ऊपर, सपोज करो आपके पास एक रॉड है, थिन रॉड है, ये रही थिन रॉड जिसकी लेंथ एल है, इसकी लेंथ जो है वो L है, यहाँ से हमने इसको पिवट कर दिया, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया O पॉइंट, ये सेंटर ऑफ मास है, इसका टाइम पीरियड क्या होगा ये बताओ, अगर ये टू एंड फ्रो मूव करेगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ I बाय एम जी टी बोलो, 2 पाई I क्या पुट करें, एक्सिस कहाँ पर है यहाँ पे है, I क्या होगा एम एल स्क्वायर बाय 3, बिल्कुल सही, क्योंकि अगर एक्सिस ये होगा ml square by 12, और अगर एक्सिस टेंजेंट होगा तो ml square by 3, तो यहाँ पर i की जगह ml square by 3, और mg d की जगह o और सेंटर ऑफ मास के बीच में दूरी कितनी है l by 2, आंसर आंसर।